पब्लिक टीवी आपकी आवाज। विश्व जागृति मिशन मुरादाबाद मंडल के पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता में बताया कि मुरादाबाद महानगर में सिविल लाइन स्थित पीली कोठी चौराहे के पास 23 मार्च से 26 मार्च तक विराट भक्ति सत्संग होगा, जिसमें आचार्य सुधांशु जी महाराज सत्संग प्रेमियों को संबोधित करेंगे। विश्व जागृति मिशन मुरादाबाद मंडल के प्रधान राकेश अग्रवाल ने बताया कि 22 मार्च को भगवा कलश और शोभा यात्रा मंडी चौक मोहल्ला बाजीग्राम स्थित सरस्वती देवी धर्मशाला से प्रारंभ होकर विभिन्न मार्गों से होते हुए पीली कोठी स्थित कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेगी। उन्होंने बताया कि कलश एवं शोभा यात्रा में पीताम्बर वस्तुओं में 101 महिलाएं अपने सिर पर कलश रख कर बैंड बाजे की भक्ति धुनों के साथ चलेंगी। इसके साथ ही आचार्य सुधांशु जी महाराज की फोटो वाली झांकी भी होगी। आचार्य सुधांशु जी महाराज 23 मार्च को शाम 4:30 बजे से 6:30 बजे तक सत्संग करेंगे। इसके बाद 24 मार्च से 26 मार्च तक प्रतिदिन प्रातः 9 बजे से प्रातः 11 बजे तक और सायंकालीन सत्र में शाम 4:30 बजे से 6:30 बजे तक सत्संग किया जाएगा। 26 मार्च को मंत्र दीक्षा कार्यक्रम कथा स्थल पर होगा, जिसमें आचार्य सुधांशु जी महाराज द्वारा गुरु भाइयों और बहनों को दीक्षा दी जाएगी। 23 मार्च को 4:30 बजे कमिश्नर पुलिस उप महानिरीक्षक जिलाधिकारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दीप प्रज्वलित कर सत्संग कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम में मुख्य यजमान के रूप में ओमसंस परिवार के महेश चंद्र अग्रवाल उपस्थित रहेंगे। पंडाल हमारा लगना शुरू हो गया, बिल्कुल पंडाल तैयारी हो चुका है और उसमें महिला मंडल द्वारा रोज जो है भजन और करे जा रहे हैं 5 से 6 बजे तक। 22 तारीख को हमारी कलश यात्रा निकलेगी पान दरीबा से सरस्वती धर्मशाला से। 23 से जो है यहाँ कार्यक्रम शुरू हो जाएगा कथा स्थल पर और 23 से 26 तक प्रोग्राम रहेगा महाराज जी का। 24 तारीख से सुबह और शाम दोनों टाइम रहेगा और 23 तारीख की शाम को प्रोग्राम रहेगा महाराज जी का। मैं मुरादाबाद के श्रद्धालुओं से यही अपील करूंगा और यही कहना चाहूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी उपस्थिति दर्ज करामें और धर्म लाभ कमामें महाराज जी के प्रवचनों को सुनकर और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कथा स्थल में जो है अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। 22 तारीख को जो कलश यात्रा है वो बड़ी धूमधाम से जो है निकाली जाएगी, उसमें महाराज जी की फोटो और करीब हमारी महिलाएं तो बहुत होंगी उसमें, लेकिन 101 कलश जो है लेकर निकलेंगी महिलाएं और यही कार्यक्रम की रूपरेखा होगी और इसी स्वरूप से जो है कलश यात्रा को पान दरीबा होते हुए मंडी चौक और अमरुआ गेट और चमक्का पुल होते हुए यही कथा स्थल पर समाप्त हो। अब 3 साल बाद यहाँ हमारे गुरुदेव का आगमन हो रहा है और जितने श्रद्धालु हैं और मुरादाबाद की जनता उनमें बहुत उत्साह है इस कार्यक्रम को लेके, इसीलिए हम लोगों ने सबको जागरूक करने के लिए कलश यात्रा का भी आयोजन किया गया है और बहुत से लोगों का ये रहा था कि हमें महाराज जी से दीक्षा लेनी है अपने गुरु के रूप में, तो 26 तारीख की दोपहर को यहाँ दीक्षा का कार्यक्रम भी रखा गया है और इस संदर्भ में पिछले 10 दिन से प्रातः 7:30 से 8:30 तक यहाँ प्रभात रैली सब लोगों ने मिलकर प्रभात फेरी निकाली है जो कि शहर के विभिन्न स्थानों और कॉलोनियों पर निकाली गई है। हम चाहते हैं कि सभी लोग इस कथा में भाग लें, अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और धर्म लाभ कमाएं। महाराज जी के आगमन के संबंध में शहर में हम निकालते हैं, जब भी महाराज जी का आगमन होता है तो कलश यात्रा, क्योंकि लेडीज़ में बहुत उत्साह होता है और वो कलश लेकर निकलती हैं शहर के विभिन्न मार्गों में, जैसा भी बताया आपको प्रधान जी ने कि सरस्वती देवी धर्मशाला से और कथा स्थल तक आयोजन रहेगा। शहर में 2-3 जगह बीच बीच में उनका मैं फूल मालाओं से और जलपान की व्यवस्था से स्वागत भी किया जाएगा। उसके अतिरिक्त यहाँ 23 की शाम से और 24, 25, 26 में यहाँ दोनों सत्रों में यहाँ महाराज जी का कथा सत्संग होता है। महाराज जी वास्तव में उनको जीवन जीने की कला सिखाते हैं और उनके दिए हुए वचनों को ही हम लोग अपने जीवन में अगर साकार करें तो निश्चित ही हम लोग बहुत आगे जा सकते हैं। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।